नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन सोनी सर चैनल में। दोस्तों मैं नवीन सोनी, आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर चैनल। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं तवेरा की, और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो आगे वाले टायर है उसकी ग्रीसिंग हमें करवानी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि मैंने टायर जो है दोस्तों आगे वाला वो खुलवा लिया है। और दोस्तों ऐसे होती है ग्रीसिंग, देखिए दोस्तों इसके अंदर जितने भी यहाँ पर बेयरिंग वगैरह होते हैं, ये बेयरिंग यहाँ से निकाले जाते हैं और निकाल कर दोस्तों बिल्कुल से इसको क्लीन किया जाता है। दोस्तों आपको भी लगभग 30-35 हज़ार गाड़ी चल जाती है, उसके बाद में आगे वाले टायरों की ग्रीसिंग करवानी चाहिए। दोस्तों ऐसे पता नहीं चलता है, लेकिन दोस्तों हमें करवा लेनी चाहिए, किलोमीटर वगैरह हमें नोट वगैरह कर लेने चाहिए, जैसे कि दोस्तों आगे वाले जो टायर है उसके अंदर ग्रीसिंग हो सके। इसके अंदर दोस्तों बेयरिंग नहीं आते हैं, ये जाली वाला बेयरिंग आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ऊपर और नीचे जाली आती है, और बीच में दोस्तों ये जो लंबी लंबी गोलियां सी आती है इसके अंदर ये जो टायर है वो मूव करता है। तो दोस्तों आपको भी जो इसमें क्लीनिंग है वो बिल्कुल अच्छे से करवा के और दोबारा से ग्रीसिंग करवानी चाहिए, ताकि इसकी लॉन्ग लाइफ रहे। कोई भी गाड़ी हो दोस्तों उसके अंदर आपको इसी प्रकार से करवाना है, साफ़ सफाई करवानी है, जिससे कि दोस्तों किसी प्रकार की कोई गंदगी वगैरह है वो नहीं रहे और टायर जो वो अच्छे से मूव करे। ऐसे दोस्तों पता नहीं चलता, क्योंकि दोस्तों गाड़ी जो होती है उसका आपको पता है कि पिकअप शानदार होता है, तो ये टायर तो ऐसे चलते रहेंगे लेकिन दोस्तों एक साथ नुकसान हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, इसलिए हमें ग्रीसिंग करवानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये ग्रीस इनको दो कर दोस्तों इनको रख देना चाहिए इस प्रकार से। देखिए ये दोस्तों सारा का सारा जो काम है वो डीजल से धोकर रखा गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों साइड में ये डिस्क है, डिस्क के नीचे का हब है, उसके नीचे की साइड में बेयरिंग वगैरह है, ये बोल्ट वगैरह है, ये सारे धोकर दोस्तों बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके और यहाँ पर रख दिए हैं सूखने के लिए। तो दोस्तों बहुत अच्छा जो टायर है उसका यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलेगा। और दोस्तों यदि आपको कोई बोल्ट वगैरह चेंज करना हो तो ये बोल्ट भी चेंज हो जाते हैं इसी के साथ। देखिए जैसे कि अभी ये बोल्ट इसका ख़राब था, टूट गया था, तो दोस्तों वो हमें चेंज करना है, तो वो भी दोस्तों बिल्कुल आसानी से हो जाता है। कोई भी टूटा हुआ बोल्ट आप आसानी से यहाँ से निकाल कर और दूसरा बोल्ट जो है वो लगवा सकते हैं। जैसे कि इस अभी दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, और डिस्क पैड वगैरह है वो भी हम इसमें साथ में डाल देंगे, ग्रीसिंग हो जाएगा, डिस्क पैड हो जाएगा, कोई बोल्ट इसमें टूट गया है वो भी हो जाएगा, तो सारे काम दोस्तों एक ही साइड में हो जाते हैं। तो आपको ये काम बिल्कुल से दोस्तों करवा लेना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आगे नहीं आए। दोस्तों ये जब आप ग्रीसिंग नहीं कराओगे और इसकी ग्रीस वो पूरी पूरी सूख जाएगी, तो दोस्तों एक साथ ये खर्चा मांगेगी और गाड़ी जो है वो उसका बेयरिंग वगैरह टूट जाएगा, उस दौरान दोस्तों अच्छा ज़्यादा नुकसान होता है। तो हमें नुकसान से बचने के लिए दोस्तों इसी प्रकार से इसका जो काम है वो करवा लेना चाहिए। देखिए दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये है डिस्क, और इसके अंदर भी दोस्तों हम देख रहे हैं कि इसमें कोई प्रकार की कोई कमी वगैरह कुछ है नहीं है। ये देखिए तो इसमें सारा सारा देख लेते हैं, स्क्रू वगैरह सब इसमें हमने खोल दिए हैं। इसमें भी दोस्तों कोई बोल्ट वगैरह यदि कम लगेगा तो उसमें देखेंगे, और चारों तरफ से दोस्तों इसको रेजमाल वगैरह से घस कर इसको बिल्कुल से अच्छे से तैयार किया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल नए जैसा इसमें अपने को फीलिंग आएगी। तो ग्रीसिंग दोस्तों हमेशा करवाते रहना चाहिए, रेड कलर की ग्रीसिंग दोस्तों इसमें होती है, जितने भी आप देख रहे हैं बेयरिंग वगैरह इन सब में। और ये बिल्कुल से देखिए अच्छे से रगड़ के अच्छे से क्लीन करते हैं इनको, ताकि हब जो है ये अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाए। और गाड़ी का दोस्तों देखिए तवेरा का और भी अच्छा अच्छा काम हो रहा है, साथ में हम पाइप भी लगवा रहे हैं, कूलेंट पाइप है वो कट गई है तो उसमें दूसरी डाल रहे हैं, तो उसका भी मैं अलग से एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन सी पाइप है वो कैसे कहाँ मिलती है, क्या है, कौन सी कट जाती है। दोस्तों कुछ भी ख़राब नहीं होता, सब चीज़ें बाज़ार में मिलती हैं, कबाड़ी मार्केट में मिलती हैं, बाज़ार से परचेज़ कर सकते हो। तो ऐसे निराश मत होइए कि कोई चीज़ ख़राब हो गई तो हम गाड़ी का क्या करें, नहीं चलेगी, हम कैसे चलाएंगे। दोस्तों सब चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध हैं, आप थोड़ा जानकारी रखिए, सब काम हो जाएगा। जैसे कि हमने सारा काम करवाया है, अभी सस्ते में ज़्यादा महंगा नहीं है ये, थोड़ा आराम से आप कराते जाओगे तो दोस्तों हो जाएगा आराम से। ये देखिए दोस्तों इसमें वापस से हम इसको तैयार कर देते हैं, इसको हमने जो लगा दिए हैं, लगाने के बाद में दोस्तों ये इसको वापस से टाइट कर देते हैं, तो इसमें दोस्तों इसकी ग्रीसिंग भी हो जाएगी, और साथ में नया जो बोल्ट है जो कि हमें कई बार गाड़ी वगैरह पंचर वगैरह हो जाती है, तो उस दौरान दोस्तों हम ये जो स्क्रू वगैरह खुलवाते हैं तो दोस्तों टूट जाते हैं, तो वो भी हम साथ में इसमें डलवा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों तो ये धीरे धीरे सारे स्क्रू है ये कस के और इस डिस्क को वापस से सेट कर देंगे। तो दोस्तों ये सिंपल सी प्रोसेस है स्क्रू डालने की, इसके अंदर ये जो बड़ा वाला बोल्ट है वो डालने की। 6 होते हैं दोस्तों तवेरा में, कई गाड़ियों में देखिए और छोटी गाड़ियाँ उनमें 4 होते हैं, बड़ी गाड़ियों में 6 होते हैं। तो ये
अलग अलग हैं गाड़ियों के हिसाब से, तो कोई टूट जाता है तो आप इसमें चेंज भी करवा सकते हैं दोस्तों, एक साथ डबल खर्चे नहीं आएंगे। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों को हमने तैयार करवा लिया है, आप देख रहे हैं दोनों के दोनों तैयार पड़े हैं। अब इनमें स्क्रू कसने बाकी थे तो ये भी मशीन से कसे जाएंगे, इस प्रकार से टाइट हो जाएगा बिल्कुल सही जो कि आप देख रहे हैं अभी। ये देखिए ये सारे के सारे स्क्रू जो है वो बिल्कुल से अच्छे से इसमें टाइट कर देंगे, तो ये बिल्कुल से एवन दोस्तों इसका काम जो है वो हो जाएगा। इनको दोस्तों मशीन से टाइट करने के बाद में एक बार चाबी से भी टाइट मैनुअली भी कर लेना चाहिए, क्योंकि इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि इससे होगा ही क्या। तो ये सारा सारा काम है वो हमें कर लेना चाहिए, बाकी आप घर पर न करके मैकेनिक से करवा ले भी ताकि वो अच्छा काम कर दें। लेकिन दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमें ये काम कैसे करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से इसमें ये सारा सारा जो काम है वो बैठ के करवा लेना है, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। ये देखिए दोस्तों ये दोनों के दोनों टायर के जो आप देख रहे हैं तैयार हो गए हैं। इसके अंदर ये डिस्क पैड डिस्क ब्रेक के लिए, इसमें दोस्तों थोड़ा सा देखिए डिस्क खा गई थी गाड़ी, एक बार गलती हो गई थी जिसकी वजह से क्या हो गया कि डिस्क जो है वो गया यहाँ से, क्योंकि दोस्तों डिस्क पैड अब ख़त्म हो गया था। तो डिस्क पैड ख़त्म हो गया तो उस कंडीशन में दोस्तों हमें गाड़ी को थोड़ी दूर चलानी पड़ी, एक कर 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 की आवाज़ आती है, यदि आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो दोस्तों वो डिस्क पैड जो है वो ख़त्म हो चुका होगा और वो इस डिस्क को खा जाएगा पूरे को, इसको तवा भी बोलते हैं साधारण भाषा में। देखिए और भी काम हो रहे हैं गाड़ी के अंदर अभी, ये जो क्लीनिंग वगैरह हो रही है ये सब, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों अभी इसके अंदर देख लीजिए कितना माल है इसके ऊपर बचा हुआ, यदि है तो इसमें थोड़ा सा देखिए यहाँ से रेजमाल से रगड़ के थोड़ा साफ़ करवा लेते हैं, जिससे कि दोबारा से सही से काम करेगा ये। क्योंकि दोस्तों आप इसमें टन भी करवा सकते हैं, लेकिन टन करवाने से दोस्तों ये पतला हो जाएगा, तो पतला होने की वजह से दोस्तों फिर जल्दी ये ख़त्म होगा, फेंकना पड़ेगा। और दोस्तों एट द लास्ट आप ये देख रहे हैं कि हमने ये जो बेयरिंग वगैरह है वो सेट करवा दिए हैं, ग्रीसिंग वगैरह अच्छे से करवा के इसके अंदर सेट करवा दिए हैं, और हम यहाँ पर जो डिस्क है उसके ऊपर अपन ये डिस्क पैड लगा रहे हैं, नए डिस्क पैड बिल्कुल से दोस्तों यहाँ से हमने अभी परचेज़ कर लिए हैं दुकान से। ये देख लीजिए आप, ये है TVS कंपनी का डिस्क पैड है, तो ये चारों डिस्क पैड हम यहाँ पर चेंज करके इसमें लगा रहे हैं दोस्तों। पुरानी वाली गाड़ी में रखेंगे, कभी भी इसमें ज़रूरत पड़े तो हम इसमें यूज़ में ले सकते हैं, अदरवाइज़ दोस्तों ये नए लगा लेने चाहिए। उसमें भी दोस्तों जान पड़ी थी 50% से ज़्यादा है वो अभी, लेकिन मैंने इसमें चेंज करवा दिए हैं ये, ताकि वो पहले वाले कभी ज़रूरत पड़ेगी तो साथ लगा देंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है कि कई बार आप बाज़ार आगे जाओ और कोई मार्केट में या कहीं भी बाहर घूमने के लिए, तो उस दौरान यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए यदि डिस्क ख़राब हो जाए, तो उसका वीडियो मैंने जस्ट डाला है, मैं एंड स्क्रीन पर भी डाल रहा हूँ दोस्तों वो वीडियो, और आप देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों मैं डिस्क का थोड़ा सा बता देता हूँ कि डिस्क जो है उसके ऊपर की साइड में जो डिस्क पैड है या ब्रेक पैड है उसको कैसे डाला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो डिस्क पैड है वो डाले जा रहे हैं बिल्कुल केयरफुली। सारा काम होने के बाद में दोस्तों ये पैड का काम बचता है, तो दोस्तों दोनों साइडों की टायरों की ग्रीसिंग, दोनों साइडों की डिस्क बिल्कुल से ओके हो गई और डिस्क पैड बिल्कुल से चकाचक हो गए। तो दोस्तों आपको पता है कि गाड़ी बिल्कुल मस्त चलेगी, ब्रेक भी बहुत मस्त लगेंगे इसके, और आपको कम से कम भी 30-35 हज़ार किलोमीटर तक तो देखना नहीं पड़ेगा। किलोमीटर मैंने नोट कर लिए हैं ताकि आगे फ्यूचर में यदि कभी लगे तो मैं इस किलोमीटर के हिसाब से इसमें फिर से चेक करवा लूँ, नहीं तो दोस्तों किलोमीटर यदि 35 हज़ार किलोमीटर आपके नहीं भी होते हैं और यदि पानी में आप गाड़ी ज़्यादा चला रहे हैं तो भी दोस्तों इसकी ग्रीस सब ख़त्म हो जाती है और डिस्क भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों डिस्क बिल्कुल ओपन रहते हैं, ग्रीस तो इतनी जल्दी नहीं जाती है क्योंकि दोस्तों पैक टू पैक काम है, लेकिन जो आप देख रहे हैं ये डिस्क पैड है ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं पानी लगने से। ये देखिए ये इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा का पूरा सिस्टम खुल जाता है, और ये खुलने के बाद में यहाँ पर थोड़ी सी ये ग्रीस वगैरह लगा देते हैं, ताकि ये जो नोज़ल थी अच्छी सी है निडल, ये निडल इसमें आसानी से डल सके। नोब भी दोस्तों ख़राब हो जाती है, ये निडल या नोब जिसको जो भी बोल रहे हैं वो ख़राब हो जाती है, तो ये भी चेंज करनी पड़ती है कई बार, लेकिन अभी तो दोस्तों बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बार बार काम करवाते हैं तो दोस्तों दिक्कत नहीं आती है हमें, इसलिए टाइम टू टाइम इसमें काम करवाना चाहिए। फिर भी दोस्तों आपको कोई काम करवाने के बाद भी गाड़ी में कोई आवाज़ वगैरह लगे या कुछ और लगे तो उस दौरान दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि आपको चेक करवा लेना है ये दोस्तों। कभी भी डिस्क वगैरह के पैड वगैरह घिस जाते हैं तो इसमें एक पत्ती आती है, उससे चर चर की आवाज़ आती है, तो उससे आपको पहचान लेना है कि दोस्तों गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आई हुई है। तो ज़्यादा न चलें,
थोड़ा सा लोगे तो थोड़ा डिस्क, ये थोड़ा सा ये क्या नाम है इसका, डिस्क पैड, और ये जो इसकी डिस्क है वो घसेगी, लेकिन ज़्यादा चलोगे तो दोस्तों ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत तो टर्न वगैरह यदि कराना पड़े तो करवा सकते हैं, और बाकी नहीं भी करवाएं तो दोस्तों इसको घस के अभी मैंने बताया रेजमाल से काम चला सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का बनाया वीडियो बिल्कुल से पसंद आ गया होगा। मिलते हैं नए अच्छे वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे। Thank you.